हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा सैनी और आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ ऑपरेटर, ऑपरेटर्स इन सी। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस करना चाहती हूँ। आप जब भी कोई वीडियोस देख रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग के हो, सी प्लस प्लस के हो, मेरे हो या किसी और के भी वीडियोस हो, तो आप उसे प्रैक्टिकली ज़रूर करके देखिए। आप जो चीज़ें सीखते जा रहे हो उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखिए, ठीक है? तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे कि वो एक्चुअली कैसे परफॉर्म होता है प्रैक्टिकली। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। फर्स्टली व्हाट इज़ ऑपरेटर, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऑपरेटर्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के यूज़ में आते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। अब हमने एक नया वर्ड देखा, भाई ऑपरेंड क्या होता है। तो ऑपरेंड क्या होते हैं हमारे? ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैंने एक एक्सप्रेशन देके रखा हुआ है, सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये एक हमारा इक्वेशन होता है, ये आप लोग जानते हैं। अब इस इक्वेशन में जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी, मीन्स हम ए और बी की वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, है ना? तो जिन भी ऑपरेट जिन भी एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको हम ऑपरेंड बोलेंगे, ठीक है? और जिन एलिमेंट्स के यूज़ से उस ऑपरेशन को परफॉर्म किए जा रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर्स बोलेंगे। यहाँ पे हमने प्लस लगाया है, इक्वल्स टू लगाया है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? ऑपरेटर्स हो गए, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया है। ऑपरेंड्स की ऑपरेंड्स किसे कहते हैं? ऑपरेंड्स ऑन विच ऑपरेशन गेट परफॉर्म, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिन एलिमेंट्स के ऊपर उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। आई थिंक यहाँ पर आपको ऑपरेटर्स क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जस्ट जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल सिर्फ प्लस का लिया है। अब यहाँ पर माइनस, जितने भी अपने ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने देखे होंगे, सारे मैथ्स में पढ़े हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, ये सारे ऑपरेटर्स रहेंगे जो कि कोई ना कोई ऑपरेशन अपने तौर पर परफॉर्म करेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, हमारे ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो इसे मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक यूनरी, एक बाइनरी और एक टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें एक सिंगल वेरिएबल यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा सिंगल ऑपरेंड मीन्स, है ना? अभी मैंने ऑपरेंड का मीनिंग आपको बताया जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। जब हम सिंगल ऑपरेंड का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम यूनरी ऑपरेटर्स बोलेंगे, जिसमें हमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ रही है, दैट इज़ बाइनरी। एंड टर्नरी में हमको तीन ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल मैं बता दूंगी। अब ये देखिए, ये वाले इसमें हमने देखा था कि मल्टीपल ऑपरेंड्स यहाँ पर यूज़ किए गए, ए बी सी। जब ये ऑपरेंड्स एक सिंगल हो तो उसको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। जब ये डबल ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, हमें दो ऑपरेटर यूज़ करना पड़ रहे हैं, तो वो बाइनरी हो जाएगा। एंड तीन ऑपरेटर्स में हम इसको टर्नरी बोलेंगे, ठीक है? अब यूनरी में होता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बाइनरी में होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड टर्नरी में होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, या इसी को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा डिस्क्राइब करके कि भाई इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है आपका प्लस प्लस, ये जो मैंने प्लस प्लस यहाँ पर लिखा है ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। एंड इसी टाइप से जो हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो होता है हमारा माइनस माइनस, ठीक है? अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है, अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? हमें इसे यूज़ करना है तो हम लिखेंगे ए प्लस प्लस, या हमारा होता है ए माइनस माइनस। इस टाइप से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा मीनिंग देख लेंगे कि ये किस टाइप के होते हैं। और यदि इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि इसका पूरा प्रोग्रामिंग में यूज़ कैसा है, तो मैं इसका एक अलग वीडियो बना रही हूँ, जिसमें सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को विथ एग्जाम्पल विथ प्रैक्टिकल पूरा समझाया गया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे कि सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कौन से होते हैं, ठीक है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है? उसके बाद हमारे आते हैं बाइनरी। बाइनरी में सबसे फर्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होगा, इसमें वो सारे ऑपरेटर्स आएंगे जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो अरिथमेटिक कैलकुलेशन में। जो भी आप मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स यूज़ करें वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो गए। आप लोग प्लस यूज़ करते हो, उसके बाद आप लोग यूज़ करते हो माइनस, इसके अलावा आप यूज़ करते हो डिवाइड,
आप यूज़ करते हो मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई को स्टार से शो किया जाता है, ठीक है। ये आपके ऑपरेटर्स हो गए अरिथमेटिक। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर्स भी होते हैं, आपको लग रहा होगा ये परसेंटेज, जबकि ये मॉड ऑपरेटर है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मॉड ऑपरेटर। अब ये इस टाइप के आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, इनके आपको सभी के मीनिंग पता है, प्लस का मीनिंग क्या होता है, माइनस का मीनिंग क्या होता है। और इसमें हमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये बाइनरी ऑपरेटर है। अब बाइनरी इसको क्यों बोला गया है, जैसे कि हमको यदि प्लस करना है, आप खुद ही सोचिए, यदि हमें प्लस करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम प्लस ए अकेला तो लिख नहीं सकते हैं। यदि हमें दो नंबर्स को भी ऐड करना है तो हम प्लस फाइव तो लिख नहीं सकते, हम क्या लिखते हैं 2 + 5 या इस टाइप से कोई ना कोई इक्वेशन लिखते हैं। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको ऐड करने के लिए, है ना। तो जब भी ऐसे दो एलिमेंट की हमको ज़रूरत पड़ रही है, जैसे हमको 5 और 2 दो एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, तो वैसे ऑपरेटर्स को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें हमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे तो मैंने आपको समझा दिया, इसके अलावा आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, जैसे हम लिखते हैं ए प्लस बी, दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ रही है। अब हम यदि ए प्लस लिखे ओनली तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हमको दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम बोलेंगे हमारे बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने आपको बता दिए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड मॉड। एंड मॉड क्या होता है, ये हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है। फॉर एग्जांपल मैंने यदि 5 को डिवाइड किया 2 से तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2.5, ठीक है। बट हम इसके अंदर क्या करते हैं, रिजल्ट नहीं शो करते, हम इसमें रिमाइंडर शो करते हैं। अब रिमाइंडर क्या आएगा, यदि मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर बचता है 1, ठीक है। तो मेरा वो 1 इसके अंदर आंसर आएगा। इसको मैं डिटेल में आगे प्रोग्रामिंग में भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, जो किसी दो ऑपरेंड के बीच में भाई रिलेशन बता रहे हैं, और ये हमेशा ट्रू या फॉल्स का आपको रिजल्ट देते हैं। अब ये रिलेशन कैसे बताएंगे, हम इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा भी होगा लेस देन इक्वल्स टू, कि हमारा जो सपोज मैंने लिखा है ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ए हमारा बी से छोटा है या इक्वल है क्या, ठीक है। जब भी हम ऐसा रिलेशन बताते हैं किसी दो वेरिएबल्स में तो हम उसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये कई टाइप के होते हैं, लाइक लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसके अलावा लेस देन, उसके अलावा ग्रेटर देन एंड डबल इक्वल्स टू। अब डबल इक्वल्स टू क्या होता है, आपने सिंगल इक्वल्स टू का मतलब तो पता है आपको, कि हम लोग उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, वैसे वह असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पढ़ाऊंगी मैं आगे, ठीक है। डबल इक्वल्स टू का मतलब है कि ए वाली वैल्यू बी के इक्वल है या नहीं वो चेक करता है, ठीक है। कि जैसे मैंने दे दिया ए इज इक्वल्स टू 5, अब मैंने लिखा ए डबल इक्वल्स टू 5, तो बताएगा भाई कि ए की वैल्यू बी के इक्वल है या नहीं, ठीक है। इसको मैं आगे आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या आ जाएंगे, हमारे जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, लाइक हमारा एंड आ जाएगा इसके अंदर, उसके अलावा आ जाएंगे हमारे और आ जाएगा हमारा नॉट। ये तीन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो लॉजिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसको भी मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। वैसे आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स में, ठीक है, मैं आगे बताती हूँ। नाउ आवर नेक्स्ट ऑपरेटर इज बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो हम जो भी इनपुट दे रहे हैं उसको पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देन बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है। इसमें भी हमारा होता है लाइक एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ठीक है, ये स्टेप से बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अंदर वो क्या करेगा, पहले उसको बिट्स में कन्वर्ट करेगा जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, बिट्स में मतलब बाइनरी में, और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो वो हमारे कौन से होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें हम मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, एंड और लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ये ऑपरेटर्स होते हैं जो बिटवाइज ऑपरेटर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट का मतलब होता है कि हम किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी अनदर वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। लाइक देखो मैं एग्जांपल लिखती हूँ इसका, मैंने लिखा ए इज़ इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो मेरी जो 8 वाली वैल्यू है वो असाइन हो रही है ए के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होगा जो किसी वैल्यू को असाइन करता है। अब हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते कितने टाइप के हैं,
ये देखिए, मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर लिखे हैं, लाइक इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है और ये क्या होते हैं। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि कौन सा ऑपरेटर कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। अब टर्नरी में मैंने जैसे आपको बताया कि भाई इसमें तीन एलिमेंट्स यूज़ होने वाले हैं। अब उसको हम किस टाइप से यूज़ करेंगे हम देख लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करने के लिए इसे, इसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, ये देखिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। अब यहाँ पर आपकी क्या होती है, कंडीशन लिखी होती है, आपकी समथिंग कुछ भी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर होगी आपकी क्या, कंडीशन, और यदि आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो ये वाला एलिमेंट प्रिंट करती है या असाइन करती है, और यदि आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो उसके पीछे वाला जो भी आपका ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगी। इसको इस टाइप से शो किया जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी कोई ना कोई कंडीशन होती है, यदि वो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो वो आपका जो परफॉर्म करेगी वो कौन सा ऑपरेशन रहेगा, वो ये वाला ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। और यदि वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो जो कोलन के बाद आपने लिखा है वो उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि ये किस टाइप से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे सारे ऑपरेटर्स का ओवरव्यू एंड होता है। लाइक हमने इसमें पढ़ा यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी में सिंगल ऑपरेंड यूज़ हो रहा है, बाइनरी में डबल ऑपरेंड्स यूज़ होने वाले हैं, और टर्नरी में हमारे तीन ऑपरेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, एक कंडीशन, एक उसके बाद उसके दो रिजल्टेंट होते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू पर जाता है, अदरवाइज वो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट करता है। बाइनरी में हमने अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे, ठीक है। अरिथमेटिक में हमारे सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। रिलेशनल में हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर, लाइक लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, जितने भी दो चीज़ों को कंपेयर करने वाले जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं, और इसका जो हमारा आउटपुट होता है ट्रू या फॉल्स में वो प्रिंट करता है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमारे आएंगे मतलब एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ये लॉजिकल एंड और नॉट जो भी है हमारे ऊपर, हमारे जो ऑपरेंड्स है उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर आपके बाइनरी में कन्वर्ट करेगा जो भी आप इनपुट दे रहे हो, फिर उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीपल टाइप से असाइन करेगा, वैल्यूज़ को जस्ट असाइन के लिए यूज़ होता है। जैसा आपका इक्वल्स टू यूज़ होता है उसी टाइप से सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर डबल प्लस और डबल माइनस से यूज़ किया जाता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है वो किसी भी वेरिएबल में प्लस वन कर देता है, और डिक्रीमेंट किसी भी वेरिएबल में माइनस वन कर देता है। अब वो कैसे यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामिंग में, हम इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर एटलीस्ट ऑपरेटर क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं ये सब क्लियर हो गया होगा। इन्हें यदि आपको प्रैक्टिकली देखना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो। एक एक ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।